जो हजरत को नमाज नहीं मिली है, अभी मस्जिद में नमाज शुरू होगी। मस्जिद में नमाज पढ़कर सीधा शादी मंदिर के पास आ जाए, इंशाल्लाह खुतबा शुरू होगी। मैं अभी साउथ इंडिया में हूँ और ये जो है नायडू पेटा जगह है, यहाँ मैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आया था अपने एक दोस्त के यहाँ। तो यहाँ सोचा कि यहाँ पे नमाज़ हो रहा है, यहाँ पे मैंने कुछ वीडियो बनाया जो हमारे स्क्रीन पर आप बैक साइड में देख रहे हैं, बैकग्राउंड में देख रहे हैं। अभी इमाम साहब से बात करेंगे, कुछ लोग जो हैं यहाँ जो नमाज़ पढ़े हैं उन लोगों से ही बात करेंगे ईद के मुतालिक, कि ईद में जिस तरीके का गरीब गुरबा को जिस तरीके से मदद करते थे, क्या इस बार ईद जाने के बाद भी वैसा ही गरीब गुरबा को मदद करेंगे। जो यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला है कि यहाँ पे गरीबों की मदद, मिस्किनों की मदद बहुत ज़्यादा लोग कर रहे थे, तो वो चीज़ ईद के बाद भी करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब। दूसरा सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि ईद की खुशियाँ उन्हें कैसी करें और देश की आवाम से क्या कहना चाहते हैं, उम्मत मुसलमान से क्या कहना चाहते हैं। भाई कुछ लोग मैं बहुत दूर से आखिर क्षेत्र में नमाज के लिए आया था और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आने के बाद पता नहीं एक सबसे बड़ी चीज़ ये पता चला, यहाँ के लोग जो है जो गरीब मिस्कीन है उनकी खुलकर मदद करते हैं, हमेशा मदद करते। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अब तो रमज़ान ख़त्म हो गया, क्या रमज़ान के बाद भी ऐसा ही जिस तरीके से रमज़ान में मदद किया गया है, रमज़ान के घर रमज़ान के बाद मदद किया जाएगा? ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। हमारे रफी भाई के तरफ से, 786 सेवा संघ के तरफ से बहुत सारे गरीब लोगों को हम मदद कर रहे हैं, कई रमज़ान में भी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और कहना चाहेंगे, आज के हालात में जिस तरीके का उस हालात को मद्देनजर रखते हुए आप देश की आवाम से, खासकर उम्र उसमा से क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे बोले तो सब्र से रहना है, कुछ करने का कुछ नहीं है। मतलब ये हमारा आबादी तो कम है, जो गैर लोगों का ज़्यादा है, क्या करना है, वो कैसा भी अल्हम्दुलिल्लाह बोल के रहना है, वही अच्छी बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे? ईद की खुशियाँ कैसी लग रही है? बहुत ज़्यादा खुशी है। क्या कहना चाहेंगे आवाम को, क्या कहना चाहेंगे मुसलमानों को, क्या कहना चाहेंगे? ईद की खुशी हर बात से पूरे बस। आप लोगों को बताता चलो कि यहाँ पे हिंदी जो है बहुत कम बोला करते हैं, बहुत कम जो यहाँ से आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, जैसे हिंदी क्षेत्र में जाते हैं तो वो हिंदी अच्छी बोल पाते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं इनसे बात करते हैं, कुछ कहना चाहेंगे जनाब? बांटना चाहेंगे जो आवाम आपको दे रहे हैं कैमरे के जरिए, क्या कहना चाहेंगे? हिंदी नहीं आता भाई, और भी लोग हैं बात करें। तो हमारे हाफिज साहब हैं, अक्र हाफिज साहब, एक सवाल आपसे जानना है, जिस मद्देनज़र अभी जिस हिसाब से अभी हिंदुस्तान के अंदर में मौजूदा हालात है, पॉलिटिकल लाइन से जो चल रहा है, उसको देखते हुए आप देश की आवाम से, खासकर उम्मत मुसलमान से क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं सवाल सवाल करेंगे, क्या कहना चाहेंगे उम्मत मुसलमान, खासकर क्या कहना चाहेंगे, क्या नसीहत देना चाहेंगे आज के ज़माने में जिस तरीके से हिंदुस्तान में चल रहा है? सब लोग अच्छी तरह से
खुशी से रहना और एक साथ रहना। हाँ जी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे मध्य मुसलमान को, क्या नसीहत देंगे और खुशियाँ कैसे बांटना चाहेंगे? इमाम साहब से एक सवाल करेंगे और वह सवाल बहुत ही ज़रूरी है, ख़ासकर उम्मत मुसलमा के लिए। इमाम साहब ये सही तरीके से उस उम्मत मुसलमा को समझा पाएंगे। इमाम साहब आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहेंगे और वो ये कि रमज़ान के मौके पर आवाम जो है मस्जिद में नमाज को, तरावी को या फिर कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगा देते हैं, लेकिन जस्ट रमज़ान जाने के बाद यानी ईद ख़त्म होने के बाद ऐसे गायब होते हैं मस्जिद से जैसे गधा के सर से सिंग गायब हो। एक कहावत मुहावरा है, गधा के सिर से सिंग गायब होना, उस तरीके से गायब हो जाते हैं मस्जिद से मुसलमान। उन मुसलमानों को क्या कहना चाहेंगे जो रमज़ान में खूब नमाज पढ़ते थे और जब रमज़ान के बाद आते हैं, रमज़ान जब ख़त्म हो जाता है तो गायब हो जाते हैं? मैं अभी बयान में भी कहा था कि अल्लाह ताला ने रोज़ाना की 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज की हैं, ऐसा नहीं कि इसीलिए मैं दुआ में भी कहा था और बयान में भी कहा था कि रोज़ाना की 5 वक्त की नमाज़ें अल्लाह ताला फ़र्ज की हैं, ऐसा नहीं कि रमज़ान में अल्लाह ताला फ़र्ज किए हों, बल्कि रोज़ाना भी हर बालिग मर्द और औरत पर रोज़ाना की नमाज़ें जब तक वो ज़िंदा रहेंगे तब तक जो है ये अल्लाह ताला के अहकामात उनके ऊपर जो है फ़र्ज हैं। ऐसा नहीं कि खाली रमज़ान के महीने में पढ़ लिए चले गए, बाद में रमज़ान के बाद गायब हो गए, ऐसा नहीं। रमज़ान के बाद भी, गैर रमज़ान में भी, पूरे 11 महीने, पूरा साल भी, बल्कि पूरा साल भी जो है हर मुसलमान के लिए ये ज़रूरी है कि इस्लाम के जो भी अरकान हैं उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। ऐसा नहीं कि थोड़ा कभी पढ़ लिए, हफ्ते में एक दिन जुमे में पढ़ लिए या साल भर में ईदें, दो ईदों की नमाज़ें पढ़ लिए, तो इससे जो है आदमी के लिए जो नुकसान ही है, दुनिया में भी नुकसान का सबब बनेगा या आखिरत में भी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए हर एक से मैं ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह अब से ही ये इरादा करें, ये अज़म करें कि रोज़ाना की 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें और रमज़ान के पूरे रोज़े रखें और इसी तरह जो है ज़कात अगर फ़र्ज़ हो गया तो ज़कात निकालें और हज करें और इसी तरह अगर कुर्बानी आपके ज़िम्मा फ़र्ज़ हो गया तो कुर्बानी अदा करें, तो अल्लाह ताला के हर रुकन पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब बनेंगे और अल्लाह ताला हर एक को, अल्लाह ताला ये रमज़ान जो अभी गुजरा है अल्लाह ताला आइंदा रमज़ान भी इससे भी बेहतर गुजारने की तौफीक अता फरमाए और आइंदा रमज़ान भी हमना नसीब फरमाए। एक आखिरी सवाल, मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए खासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या नसीहत देना चाहेंगे अमन शांति को लेकर जिस तरीके का अभी माहौल बना हुआ है? हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहकाम हम तक बतलाए हैं, समझाए हैं, अगर इस पर मुकम्मल अगर 100% अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह पूरा माहौल जो है माहौल तब्दील हो जाएगा और ये लड़ाई झगड़े फसाद जो है ख़त्म हो जाएंगे। अक्सर इसका वजह यही है कि हमें मुकम्मल अमल नहीं कर रहे हैं मुसलमान खुद जो है, इस्लाम के जो अहकाम हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम तक दीन पहुँचाए हैं, जो अहादीस हम तक पहुँचे हैं, इसमें जो है बिल्कुल जो है नाकाम है, यानी इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। अगर इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह पूरा माहौल में जो है पूरा माहौल तब्दील हो जाएगा और हर जगह भी जो है खुशियाँ फैलेंगे, इंशाल्लाह ये दिन और भी जो है आगे बढ़ेगा और ये फसाद, ये फितने फसाद और ये लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि मैं 2700 किलोमीटर दूर चलकर यहाँ पर अपने एक दोस्त के यहाँ आया था और यहाँ ईद का नमाज़ अदा किया हूँ इस साल और कुछ और जवान लड़के इनसे जाना चाहेंगे, इनसे जाना चाहेंगे देश की आवाम से क्या नसीहत करना चाहेंगे आज के मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके का आज माहौल देश के अंदर बना, बस यही सवाल मैं करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, सभी हजरात को ईद मुबारक, तकब्बल अल्लाह मिन्ना व मिनकुम सालिहल आमाल। अल्लाह हमारी जो भी रमज़ान हमारी गुजरी है तरावी हो, रोज़े के एतबार से, ज़कात के एतबार से अल्लाह सबको कबूल फरमाए। सबसे पहले नसीहत पूरी देश के लिए, पूरी आवाम के लिए यही है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह हमको बताए हैं कि इस तरह जो भी काम करना है, अगर इस पर हम खड़े उतरेंगे तो हमारी जो परेशानियाँ हैं, जो सियासतदान हमारे ऊपर जो जोर दे रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों की, बदअदबी कर रहे हैं, सब हमसे दूर हो जाएंगे क्योंकि हम इस्लाम के जो अरकान हैं इस पर हम खड़े उतर नहीं रहे।
कोई नमाज पढ़ रहा है तो कोई ज़कात नहीं दे रहा, कोई रोज़ा रख रहा है तो कोई हज नहीं कर रहा है। हम इसको एक एक बाई बाई एक हर मुसलमान में अंदर कोई ना कोई कोताही है, सबसे बड़ी वजह यही है। हम अल्लाह के यहाँ पे रोकना चाहिए। एक सवाल मैं करूँ, सूद को लेकर खासकर मुसलमानों में ये चलन सूद लेना कि मतलब हमारे पास पैसे नहीं है तो मजबूरी आ गई तो हम सूद पे पैसे ले लेते हैं, ये कहाँ तक दुरुस्त है और उन मुसलमानों को क्या नसीहत करना चाहेंगे जो सूद पर पैसे लेते हैं? जहाँ तक सूद का मामला है, सूद इस्लाम में देना भी हराम है, लेना भी हराम है, सूद पर गवाह बनना भी हराम है और सूद के दस्तखत, सूद के पेपर पर दस्तखत करना भी हराम है। और सूद जहाँ का सूद का कारोबार है वहाँ अगर चौकीदार की कोई निगरानी कर रहा है तो वो भी हराम है, अगर वहाँ का पानी कोई पी रहा है तो वो भी हराम है। सूद बिल्कुल इस्लाम में शरीयत में सूद की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। जब तक अगर इंसान मरने की हालत में भी है तो सूद उसके लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल हराम है। एक चीज़ आपने कहा, सपोज डेट किसी को पैसे की, मुझे ही लेने मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं कई लोगों से पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है, किसी कई लोगों से मांग रहा हूँ, वो लोग दे नहीं रहे, अमीर है, बहुत पैसे वाले हैं, अमीर है और हमें पैसे नहीं दे रहे, मजबूरन किस कोई ऐसा इमरजेंसी है कि जो वो काम अगर हम नहीं कर पाएँ तो हो ही नहीं सकेगा, मेरे लिए नुकसानदेह हो साबित होगा, तो हम उस मोमेंट पर सूद ले लेते हैं। तो जो अमीर लोग होते हैं जिनके पास हम जाते हैं पैसे लेने के लिए, उनको क्या कहना चाहिए, ऐसे लोगों को मदद किया जाए या नहीं किया जाए ताकि वो सूद ना ले? जी, इसमें ज़रूर जो अल्लाह ताला ने इसको माल दिया है वो कर्ज हसना के तौर पर उनको देना चाहिए। अल्लाह को नाजिर जानकर कर्ज हसना के तौर पर अगर वो देंगे तो ठीक है, अगर नहीं देंगे तो उसको सदक़े की नियत कर ले बेहतर होगा। और जहाँ तक सूद लेने की मामला जो है ना, लोग अपना इंसान इस ज़माने में यहाँ तक मुस्तहिक है कि उसके पास कोई ना कोई चीज़, हर कोई इतना मालदार है कि उसको कहीं ना कहीं से कर्ज हसना मिल जाता है, लेकिन फिर भी लोग अपने ख्वाहिश और अपने आयश और आराम के लिए कुछ ज़्यादा खर्च, कुछ ज़्यादा दिखावे के लिए सूद लेकर के खर्च करते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इस्लाम में बिल्कुल हराम है। और जो अमीर है, अल्लाह ताला ने इसको इस्तेआत दिया है माल के एतबार से, उहदे के एतबार से, वो उनको इसमें ज़रूर मुसलमानों के लिए जो गरीब तबका है इनके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए, इनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा एक नेक अमल करना चाहिए। यह सवाल मैं इसलिए मतलब पूछा हूँ हाफिज़ साहब से, मौलाना साहब ना, इनसे पूछा हूँ ताकि अभी अपनी आंखों से कई लोगों को बर्बाद होते हुए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए देख चुका हूँ, जो 1000 रुपये लेते हैं और चंद दिनों के बाद वही पैसे 2000, 3000, 4000 इसी तरीके से बढ़ता चला जाता है। और उन लोगों से जो पैसे वाले, उनसे मैं बार बार कहता हूँ और फिर से कहूँगा कि जो गरीब है उनको कोशिश करें मदद करने के लिए। जैसा कि हज़रत ने बताया कि अगर आप वो देखने के काबिल ना हो तो सदक़े के हिसाब से दे दें उनको, ताकि उनकी ज़रूरियात पूरी हो सके। तो आप लोगों से मैं हमेशा कहूँगा और फिर से कहूँगा, सूद की वजह से मुसलमान अक्सर हाँ परेशान हो रहा है और उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके का अगर नौबत आया तो लगातार परेशान होते रहेंगे। और मुसलमानों की सबसे बड़ी जो नाकामयाबी का जो राज है वो सूद बड़ी बहुत बड़ी अहम रोल अदा करती है, ये बात हकीकत है। अगर आप ग्राउंड में जाएंगे, ज़ीरो ग्राउंड पर जाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। अभी हज़रत ने एक सूद के बारे में बताया, वही चीज़ सूद को लेकर मौलाना साहब से चंद लम्हों में तफसील सुनना चाहूँगा कि एक बार ज़रा उम्मत मुसलमान को बताएं सूद लेना कितना गलत है, ताकि वो सूद ना लें और अपनी ज़िंदगी जो है बर्बाद न करें, क्योंकि सूद की वजह से आज मुसलमान कौम हर जगह मार खा रहा है, ये देखने को दिया है। तो ज़रा समझाएँ, अल्लाह ताला खुद कुरान में कहते हैं यमहकुल्लाहु रिबा व यरबिस सदक़ात, कि ये सूद है ना माल को घटाता है और तिजारत है ना माल को बढ़ाता है। तो इसलिए मैं उम्मत मुस्लिमा के तबका को कहता हूँ, जो मालदार हजरात हैं तो अपने अपने इलाके में एक इस्लामिक बैंक जैसा, एक इस्लामिक बैंक अपने अपने इलाके में खोलकर ऐसे जो गरीब तबका हैं तो सूद के बग़ैर तो उनके पास लिखा कर कितने दिनों में देंगे, इस तरह उनसे वादा लेकर उनको मदद करने की कोशिश करना चाहिए। जो मालदार तबका है, कुछ चंद हजरात मिलकर अपने अपने इलाकों में इस्लामिक बैंक जैसा खोलकर, तो ऐसा सहूलत अगर बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये सूद कुछ इंशाल्लाह कम कर सकते हैं, मेरी एक राय है, इस तरह करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।